आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिंगर जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि भारत में एक अफोर्डेबल सस्ती इलेक्ट्रिक कार कब लॉन्च होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, गुड न्यूज आ गई है, आखिरकार भारत में एक सस्ती कार की जो बुकिंग है वो शुरू हो गई है और वो हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा सस्ती है। बिल्कुल दोस्तों, 4.5 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग भारत में शुरू हो गई है और इसको किसी मेनस्ट्रीम कंपनी नहीं लॉन्च किया है। यह है मुंबई बेस्ड ईवी स्टार्टअप स्टॉर्म मोटर्स। बिल्कुल, इस वीडियो में उनकी पूरी स्पेसिफिकेशन फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप बुकिंग इनकी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन जाकर stormmotors.com पर जाकर 10,000 रुपीज के साथ, जो कि फुली रिफंडेबल भी है, आप इस इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग कर सकते हो। लेकिन ये बुकिंग अभी थोड़ा लिमिटेड है कुछ शहरों तक, लाइक बिल्कुल मुंबई जहाँ का स्टार्टअप है, बिल्कुल मुंबई में तो है, मुंबई इसके अलावा थाने, नवी मुंबई, दिल्ली, NCR यानी कि नोएडा, गुड़गांव, इन शहरों में इसको फिलहाल फर्स्ट स्टेज में इनिशियली इनमें लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक कार की, जिसका नाम रखा गया है R3, स्टॉर्म R3, ये एक छोटी कार है दोस्तों, यानी कि 2-door 2-seater और बिल्कुल साइज की बात करें तो इसकी लेंथ 2.9 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर और हाइट 1.57 मीटर की है। टॉप स्पीड को जानबूझ के यहाँ कैप किया गया है, 80 किलोमीटर की आपको यहाँ टॉप स्पीड मिलने वाली है। जो मोटर है 20 bhp की पावर जनरेट करती है, तकरीबन 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिलेगा। रेंज 200 किलोमीटर की कंपनी यहाँ क्लेम कर रही है। जो लिथियम आयन बैटरी पैक है, 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी यहां कंपनी दे रही है। जो इसमें ऑनबोर्ड चार्ज लगा है, डीसी फास्ट चार्जर नहीं है, बट जो ऑनबोर्ड चार्जर है तकरीबन 3 से 3.5 घंटे में आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है। ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी अच्छी है, 185 mm की। दोस्तों, स्टॉर्म R3 पर आपको तकरीबन 3 साल की बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। किस तरह कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा पहले 3 साल तक। मल्टीपल मोड्स आपके लिए रहेंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। इसके अलावा इसमें वर्टिकल 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम रहेगा और इसके अलावा 4.3 इंच का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी रहेगा। अब ये एक 3-seater कार है, जैसे कि आप इस फोटोज में, वीडियोज में देख रहे हो, फ्रंट में 2 टायर, पीछे 1 टायर। तो ओवरऑल इसका जो वेट है 550 किलोग्राम है। बूट स्पेस अच्छी है, एक कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद भी आपको जो कार्गो है वो स्पेस काफी अच्छी है। रियर में जहाँ 300 लीटर का, वहीं फ्रंट में 100 लीटर की आपको कार्गो स्पेस मिलेगी। टोटल 4 कलर्स में आपको अवेलेबल रहेगा, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड वाइट। अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल, IoT इनेबल मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि आप दूर बैठकर भी गाड़ी की जो पूरा सिस्टम चेक कर सकते हो। 4G कनेक्टिविटी रहेगी मोबाइल के थ्रू, वॉइस कंट्रोल, गेस्चर कंट्रोल और जो ऑनबोर्ड म्यूजिक स्टोरेज है तकरीबन 20-20 GB तक की आप इसमें म्यूजिक स्टोर कर सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिलेगा और प्राइस जैसा मैंने आपको बताया कि 4.5 लाख अभी यहाँ पर प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस। बाकी अगर कहीं पर इंश्योरेंस का चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा, अगर किसी स्टेट में कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हैं तो वो भी एक्स्ट्रा रहेगा। दोस्तों, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी सोचना है कि अगर इन 3 टायर्स की जगह इसमें नॉर्मल गाड़ियों की तरह 4 टायर दिया जाता तो वो ज़्यादा बेटर। बेशक आप इसका प्राइस 4.5 की जगह 5 लाख कर देते हो, बट एक नॉर्मल, जैसे नॉर्मल गाड़ी तो उस तरह आपकी शेप रखी जाती तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो मेरे हिसाब से इसमें एक फैक्टर ये भी रहेगा कि थोड़े से स्टेबिलिटी का फर्क हो सकता है। एक हम जानते हैं कि जो 3 टायर्स ऑटो रिक्शाज होता है, अगर एकदम से हम स्पीड में कहीं टर्न कर जाए तो वो पलट जाते हैं, तो ऐसा सीन में भी दिक्कत आ सकती है। अगर 4 टायर होता थोड़ा प्राइस उस हिसाब से बढ़ा देते वो ज़्यादा बेटर होता। और अगर ऐसा करते तो हो सकता है कि ये 4-seater भी बन जाता, पीछे भी सीट्स निकल आती। खैर, कंपनी की अपनी सोच है, प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है। बाकी ओवरऑल गाड़ी देखने में बढ़िया है। आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपके मतलब की गाड़ी है 2-door 2-seater 3 टायर वाली गाड़ी आपको जची या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं जची तो क्यों नहीं जची ये भी बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।